मैंने उसे उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। ये दिल्ली के लाल किला जो किया जाओ आए हैं, अभी दिखाते हैं अंदर जाएंगे। ये रेड फोर्ट बहुत ही बड़ा है, जो कि लाल किला भी कहते हैं इसको हिंदी में। और उसको अंदर जाते ही हम देखेंगे कितना बड़ा है, लेकिन मुझे तो जितना लग रहा है बहुत ही बड़ा होगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आया हूँ। देखते हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं, इसके एंट्री करते ही बहुत ही बड़ा दीवार दिखता है, जो कि इतना लाल कलर में है, जो कि लाल कलर में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता भी है। ये देख रहे हैं, पूरा हर जगह सिर्फ रेड ही रेड दिख रहा है, और बस इसी का ये इतना शायद खूबसूरत लग रहा है। और इसको बनाए थे 1638 में, जो कि हमारा साजन भैया ने बनाए थे। गेट में आते ही लाहौरे गेट आता है ये, जो कि इसका नाम दिए हैं लाहौरे गेट। और थोड़ा सा अंदर आते ही इसको दुकान वगैरह बहुत बनाए, जो कि चत्ता चौक कहते हैं इसको। और ये सारे दुकान बनाए ये हैं यहाँ पर, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी और खाना मिलता है। यहाँ का बाजार बहुत ही रंगीन है, देख रहे कितना कलरफुल लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ से कुछ यादगार खरीद सकते हैं आप, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि हर लोग दुकान बनाए इसके अंदर। ये है रंग महल, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखते हैं यहाँ पर कुछ फोटोस लेते हैं। ये तो अंदर से एक लेटेस्ट डिजाइन लग रहा है, जो कि कॉफी कैफे की तरह लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा कुछ फोटोज लगाए हैं, हिस्ट्री का फोटोज वगैरह बहुत कुछ है,
डिजाइन। अब हम चलते हैं दीवान आयम की तरफ। जहां शाहजहां आम जनता से मिलते थे, इस स्थल की खूबसूरती और नक्शे देखने लायक है। अब हम चलते हैं दीवानी खास में, आपको मिलता है यहां शाहजहां का खास महल। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने विशेष मेहमानों को संबोधित किए। स्थल की शांति और खूबसूरती बेहद आकर्षक है। यहाँ से थोड़ी ही दूर में मोती मस्जिद भी है, जो कि 1659 में हुआ था। इसकी सफेदी और सुंदरता इसे बहुत ही विशेष बनाती है। यहाँ का माहौल भी बहुत ही शांति है, देख सकते हैं इतना बड़ा है, इतना लोग है, फिर भी कितना साइलेंट पीस है यहाँ पर। जब आप रेड फोर्ट के चित्रों पर खड़े होते हैं, तो यहाँ से यमुना नदी के नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। ये इतना बड़ा है, सुबह से शाम हो गया है लेकिन ख़त्म ही नहीं होता। इसके वजह से हम कुछ जगह तो जा भी नहीं पाई, इतना बड़ा है। और इसके अंदर ही हमें लंच करना पड़ा, जो कि प्रॉपर तो लंच नहीं था, लेकिन ऐसे मैगी पिज़्ज़ा वगैरह खाने से हो गया हमारा। टेस्ट तो ठीक ठाक ही था, लेकिन अच्छा था। यहाँ पर माहौल अच्छा है, पूरा होटल तो नहीं मिला लेकिन बाहर ऐसे टेबल में ही खा लिए। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूं। ये सब पूरा पेपर में ही पूरा डिजाइन बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे जगह पे हमने फोटो शूट किए हैं, लेकिन वो तो कैमरा पे है, फोन में भी कुछ कुछ फोटोस निकाले हैं। एक राउंड पूरा घूमने के बाद जहां पर एंट्री हुआ था वहां पर ही हम पहुंच गए। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।